हातिम भाभी को होश क्यों नहीं आ रहा? मम्मी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, कह रहे हैं किसी बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। अच्छा नहीं किया वैसे नौमान ने। क्या मोमानी ने कुछ बताया आपको? भाभी ने जो कुछ बताया है वो सुन के तो दिल कांप गया है मेरा। राहिला और नुमान भाभी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए कि वो सोमिया की हिमायत करती हैं। क्या? यानी इसका मतलब ये है कि नुमान और राहिला को अभी भी सोमिया से मसला है? मुझे तो लगता है हम सभी कसूरवार हैं आते हैं। भाभी की हालत देख के तो दिल दहल गया है मेरा। पता है मुझे तो राहिला से अच्छी की उम्मीद तो कभी थी ही नहीं, लेकिन नुमान, उसको तो ख्याल रखना चाहिए था ना मोमानी जान का। राहिला ने तो नुमान की आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तभी तो वो माँ के हुकूक भूल गया। अब देखो इतने घंटे गुजर गए हैं, किसी ने भाभी के बारे में जानने के लिए फोन तक नहीं किया। भाभी, भाभी, सोमिया को बुला दे। आप ठीक हो जाएं, वो आपसे मिलने जरूर आएगी। उम्मीद है आपको अंदाजा नहीं कितना जहर घोला राहिला ने आदन के कान में। या अल्लाह खैर, पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ करें। आप परेशान ना हो, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। जी मोमानी, प्लीज आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके हातिम, मेरी कसम खाकर मुझे सच सच बता दो, कभी सोमिया ने तुमसे राब्ता किया था? नहीं भाभी, उसने कभी भी हातिम से राब्ता नहीं किया। सिर्फ एक बार कॉल किया था और मुझे गलतफहमी हो गई और मैंने पता नहीं आके आपको क्या क्या कुछ कह दिया। ये सारी बातें राहिला ने रिकॉर्ड की और आज आदन को सुना दी। क्या? किस कदर घटिया हरकत की है उसने? मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे। अरे नहीं रुको, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। देख रहे हो ना अपनी मोमानी का क्या हाल है।